हेलो स्टूडेंट्स, सो सीबीएसई के 23 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में जो आपके आरटीसी आएंगे जो कि आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, सिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, उसमें से आपको कोई तीन ऑप्ट करना है एंड हर एक में आपको दो दो ऑप्शन मिलेगा आरटीसी में. सो आई थॉट कि मैं एक प्रॉपरली एक जो मेरा नोट्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसका एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ ताकि आप लोग घर पे उसको प्रैक्टिस कर सको. इसका आंसर्स का भी अगर होगा तो मैं आई पोस्ट अनदर वीडियो, बट आई वॉन्ट कि आप लोग एक बार पॉज करके इस वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस मैंने शेयर किए, 27 पेज का पूरा प्रॉपर स्लाइड्स था, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें शेयर किए हैं उस सब को आप सॉल्व करो, सारे कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करो घर पे एंड चेक करो कि आपके आंसर्स करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स पेपर. एंड बिकॉज पेपर काफ़ी लेंदी है, पहले आप लोग का सेक्शन ए में दो कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ठीक है, 20 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स ईच, एंड वो दोनों कंपलसरी है. सो आपको पढ़ने में, उसको डीकोड करने में एंड देन उसको लिखने में तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हुआ. उसके बाद आपको 8 वो लोग राइटिंग स्किल्स में ऑप्शन देंगे. आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 4, बट पॉइंट इज़ दैट कि वो आठों को पढ़ के डीकोड करना कि हाँ इस 8 में से मुझे आज 4 अटेम्प्ट करना है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो उस पर पहले फटाफट से करना. उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन आएंगे लाइक दिस, विच इज़ तुम्हारा आरटीसी आएगा आप लोगों का. ठीक है, सो आरटीसी भी 6 आएंगे, 6 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना, तो अगेन वो 6 को रीड करना, अपने आपको कन्विंस करना, राइट आंसर को टिक करना कि ये राइट है रॉन्ग है, एंड उसमें से 3 अटेम्प्ट करना, एंड देन शॉर्ट आंसर एंड देन लॉन्ग आंसर. ठीक है, सो मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, दिस इज़ द रियलिटी चेक जो मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपने अभी भी अपना स्पीड को मेंटेन नहीं किया तो आप घर पे बैठ के स्टॉप वॉच ऑन करके प्रैक्टिस करो सारे नोट्स को. एंड ये भी मैंने जो शेयर किया आरटीसी, जितने भी आरटीसी है थिंक ऑफ ब्यूटी ऑन द फेस ऑफ इट, जितना मुझे लगा कि हाँ इट्स इंपॉर्टेंट, वो मैंने एक जगह पे कल्मिनेट कर लिया पूरे. ठीक है, तो आप चेक कर लो, मतलब अक्यूमुलेटेड है ये सारा चीज़ें, आप संग संग कॉपी लेके बैठो एंड स्टॉप वॉच रखो. एंड स्टॉप वॉच में 10 मिनट 15 मिनट से भी से आपको एक एक क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा आपको. तो दैट इज़ इट, एंड ये पूरे क्वेश्चन आप चेक कर लो. इस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के ऊपर आरटीसी है, तो इट्स लाइक दैट. तो ये पूरा आप घर पर प्रैक्टिस करो अच्छे से. एंड या और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब आप देख सकते हो पोएट्स एंड पैनकेक्स के ऊपर यहाँ पे एक एक्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है. पोएट्स एंड पैनकेक्स इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, उतना डिफिकल्ट नहीं है उसको, सिर्फ एक माइंड सेट है कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट दैट आपको बहुत सारे नेम्स याद करने हैं. यस, नेम्स आर देयर, बट ऑफकोर्स थोड़ा स्टैंडर्ड होगा ना आप लोग क्लास 12 में, तो इट्स लाइक दैट. तो आप एक्स्ट्रैक्ट सॉल्व करो माइन्यूटली, आपको बहुत हेल्प होगा. ठीक है, एंड ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए, पॉज करके आप चेक कर लो. द इंटरव्यू इज़ ऑल्सो वेरी गुड चैप्टर, इसमें भी काफ़ी कुछ है जो स्पीच के चैप्टर होते हैं, तुम्हारा ऑन द फेस ऑफ इट था, जिसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं, इन सब चीज़ों में से अच्छे आरटीसीज बन के आते हैं. सो ये सब आप प्रैक्टिस करो, आपका ऐसे ही प्रैक्टिस होगा इस तरीके से, माइन्यूटली जो चीज़ें वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगी एंड चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा. सो द इंटरव्यू एंड ये सब चीज़ें चैप्टर आप प्रैक्टिस करो.